आज हम पहुंचे हैं डुंगरोद की श्याम विद्या निकेतन स्कूल के अंदर। वहां हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आरटी के तहत किस तरह से बच्चे को फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राइट टू एजुकेशन सर क्या है? आरटी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके अंदर जो भी निर्धन व्यक्ति है वो अपने बच्चों को, दुर्बल व्यक्ति वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे जो अपने फर्स्ट क्लास में जो टोटल बच्चे होते हैं उनका 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आरटी की अभी प्रक्रिया चल रही है, 29 अप्रैल लास्ट डेट है, उसमें क्या होता है, इस पर गवर्नमेंट ने डेट चेंज की है। एज जो ग्रुप होते हैं वो भी होते हैं, अपने स्कूल में फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन मिलता है। जैसे फर्स्ट क्लास में एज ग्रुप है अभी 6 से 7 साल, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे एडमिशन हो जाते हैं, अभी प्रवेश चल रहे हैं, प्रवेश होने के बाद में प्रक्रिया होती है, जैसे जैसे फीस के आवेदन भी होते हैं, 3 बच्चों पर 1 बच्चे को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। लॉटरी सिस्टम होता है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है। इसमें विद्यालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें कोई भी विद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी ये होती है, डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं, बच्चों का अगर आपको जो लॉटरी सिस्टम है उसमें प्राथमिकता क्रमांक जैसे मिलता है उसी के हिसाब से ही प्रवेश मिलेगा। जैसे एक नंबर किसी बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक आया तो उसके लिए अपन को 3 बच्चे फीस के चाहिए होंगे, 3 बच्चे जो सहशुल्क हैं उसमें चढ़ेंगे पोर्टल पे, जो अपना PSP पोर्टल है हमारा प्राइवेट स्कूल का, उसके बाद में 1 बच्चे को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें जैसे होगा। उसके बाद फिर 3 बच्चे चढ़ेंगे, फिर 2 नंबर का जो प्राथमिकता क्रमांक है उसमें यह नहीं होता अपन डायरेक्ट 5वें नंबर को चढ़ा सकते हैं, 6 नंबर को चढ़ा सकते हैं, 10 नंबर को, ये कोई सिस्टम नहीं होता उसमें। जो भी है वो अपने आप जो सिस्टम है वो लेता है, और इसमें जो ही है वो 25% बच्चों को वो निःशुल्क प्रवेश देना होता है। बस टोटल बच्चे होते हैं उनमें से 25% बच्चे निःशुल्क ही होते हैं। राइट टू एजुकेशन का स्टूडेंट को लाभ लेने के लिए किन किन प्रक्रिया प्रोसेस थी? सर्वप्रथम तो जैसे अभी आवेदन चल रहे हैं तो उनमें बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है, माता पिता का जो डॉक्यूमेंट है वो भी अनिवार्य है, जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, एक मूल निवास होता है अपना वो अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र OBC कास्ट का हो जनरल का हो वो चाहिएगा, और एक आय प्रमाण पत्र जो आरटी पोर्टल पे उपलब्ध है, आरटी 2024-25 का जो आय का प्रारूप है वही अपलोड होगा। ये टोटल डॉक्यूमेंट पहले तैयार करने होते हैं, उन्हीं के हिसाब से पोर्टल पे आवेदन होता है। जन्म के लिए, आयु के लिए अपन को जन्म और आधार दोनों गवर्नमेंट अनिवार्य करती है, आधार अनिवार्य होता है, आधार के नंबर चढ़ते हैं, आधार ही सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। तो कौन कौन सी क्लास में इसमें एडमिशन ले सकता? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट चेक अभी फर्स्ट अपना विद्यालय है वो फर्स्ट में है, बाकी 3 से 4 ग्रुप का भी है, एक वो LKG UKG नर्सरी में भी चलता है सिस्टम, लेकिन अपने जो विद्यार्थी हैं अपना जो विद्यालय उसमें आयु ग्रुप 6 से 7 साल का है, फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन मिलता है डायरेक्ट। फीस पूर्णतया निःशुल्क होती है? पूर्णतया निःशुल्क होती है, विद्यार्थी का जो पाठ्यक्रम है, पुस्तक और जो नोटबुक है वो भी निःशुल्क होता है, ये टोटल सिस्टम निःशुल्क होता है। वाहन किराया निःशुल्क नहीं होता, वो विद्यालय की जिम्मेदारी होती है, विद्यालय कम लेता है बच्चों से, निर्धन व्यक्ति से वैसे हम कम लेते हैं, बहुत विद्यालयों को विद्यार्थियों को सुविधाएँ देते हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, निर्धन बच्चे हैं, दुर्बल बच्चे जो भी हैं उनकी वैसे हेल्प करते रहते हैं, और भी डोनेशन के जो कार्यक्रम वो भी चलते रहते हैं, एक स्कॉलरशिप वाला सिस्टम उसमें भी हेल्प बहुत होती है बच्चे, मुस्लिम बच्चियों को, अल्पसंख्यक बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप में भी पूर्णतया सशुल्क मिलता है बच्चों को, ये टोटल होता है। आरटी के अंदर भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं एडमिशन, अभी ये क्या होता है, अभी आवेदन चल रहे हैं उसके किस माह में इसके आवेदन भरे जाते हैं? किस माह में इसके आवेदन भरे जाते हैं? आवेदन यही अपने फरवरी से लेके अप्रैल तक चलते हैं, इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से लेट है, बल्कि आवेदन पूर्णतया इसी 2-3 महीने में चलते हैं, ये 15-20 दिन का आवेदन का जो है दिनांक होती है, इसमें आवेदन कर सकते हैं गार्जियंस, किसी भी मित्र पे जाके कर सकते हैं, गार्जियंस की ही जिम्मेदारी होती है टोटल डॉक्यूमेंट्स बना के। फिर विद्यालय क्या होता है, विद्यालय में लॉटरी सिस्टम चलता, लॉटरी के बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो विद्यालय है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, लॉटरी का पता चलता है, गार्जियंस वहाँ से वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट, ई मित्र पर जाके अपने पोर्टल से
फिर विद्यालय वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, सही डॉक्यूमेंट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है तो विद्यालय उसमें जो करेक्शन के लिए डाल देता है, जो गार्जियंस वापस सही करके डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है उसको रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये पूर्णतः विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। टोटल डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में जैसे जमा हो गए तो आवेदन प्रक्रिया चलती है, वो जुलाई के अंदर चलती है। जुलाई के अंदर जैसे फीस के आवेदन चढ़ने शुरू होते हैं तो उसके हिसाब से क्रम के अनुसार आरटी के जो बच्चे हैं उनका भी जो क्रम है वो चलता रहता है, प्राथमिकता क्रमांक के अनुसार उनका एडमिशन आवेदन होता रहता है। श्याम स्कूल के अंदर सर अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं बच्चों के लिए? अदर फैसिलिटीज़ जो अपने जो खेल कूद की जो क्रियाकलाप हैं वो भी करवाए जाते हैं। ईयर के अंदर जो एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता है उसका भी आयोजन होता है, क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। विद्यालय स्तर से अपने जो विद्यार्थी हैं उनको जो वॉलीबॉल से चयन, अपने अभी राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, अपने ही विद्यालय ने जो नौ जिले से टीम को वो प्रतिभागी जो बच्चे बने थे वो अपने विद्यालय के थे, वो अपने जूनो जिले से खेल के आए थे राज्य स्तर पे और विजेता भी रही थी टीम। अदर एक्टिविटीज़ जैसे प्रोग्राम भी होते हैं, रंगारंग प्रोग्राम भी चलते हैं। 26 जनवरी का होता है एक अपने विद्यालय का जो ईयर का प्रोग्राम है, श्याम उत्सव मान लो चाहे या वार्षिक उत्सव मान लो, बहुत बड़ा होता है, अभी थोड़े दिन मार्च में ही होता है वो, उसमें भी बहुत प्रोग्राम होते हैं। और जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है। ये आधी एक्टिविटीज जैसे और बच्चों को संगीत वगैरह, जो संगीत वगैरह की क्रियाएं वो सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी क्लासेज लगती हैं, उनको भी एक्स्ट्रा में बच्चों को सिखाया जाता है। और जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज लगाई जाती हैं जो निःशुल्क होती हैं, कोई तरह का शुल्क नहीं होता। बच्चों के लिए वाहन की जो सुविधाएँ हैं वो अपने आस पास के गाँव से हैं, टोटल वाहन की सुविधा है। कितने किलोमीटर तक वाहन की सुविधा उपलब्ध हो? 25-30 किलोमीटर तक अपने वाहन की सुविधा है। यहाँ से रैणावा साइड है, इधर अपने इधर मुकनगढ़ है, चूड़ी है, आलमास है, इधर खेड़ी, रैणावा, मुकनगढ़, बलरिया, सैनीपुरा, इन सभी जगहों पे अपने वाहन सुविधा है। जो बच्चे होते हैं उनको पूर्णतः हेल्प भी होती है, ऐसे नहीं है पूर्णतः फीस में है, लेकिन बच्चों को जितनी हेल्प हमसे हो सकती है उतनी करते हैं। इतनी जो फीस भी नहीं है अपनी, अरे इतना कोई गाड़ी किराया भी नहीं लेते अदर स्कूल के, सबका है सिस्टम, अपन जितनी बच्चे की हेल्प हो सकती है उतनी करते हैं। जो SI है तो उनके लिए क्या? गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी अपने विद्यालय में जैसे बहुत से डोनेशन दान देते हैं, वो भी डोनेशन करते हैं, उनसे भी हेल्प ले लेते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह का सिस्टम रहता है वो भी करवाते हैं, बच्चों की जितनी हेल्प होती है उनसे करवाते हैं। श्रमिक कार्ड वगैरह तो उनसे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवा देते हैं बच्चों के, हमसे जितनी हेल्प हो सकती है ना जैसे उतनी करते हैं भाई साहब। उसमें बच्चों को परेशान होने की, पढ़ाई उनकी ज़रूरी है, हम पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे है कि पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी है। फीस के लिए ऐसे नहीं कि फीस के लिए दबाव देकर बच्चों की पढ़ाई रोक दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अपन के विद्यालय का सबसे प्राथमिक कार्य है बच्चों को पढ़ाना, उनकी शिक्षा को मान्यता, उनकी शिक्षा को जो है उनको प्राथमिकता देना, ये अपने विद्यालय का प्राथमिकता है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जो ये है जानकारी पेरेंट्स के लिए जताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें बहुत बच्चों को हेल्प होगी, बहुत गार्जियंस को हेल्प होगी। धन्यवाद साहब आपका।